फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ आर्ट एक्टिव्स में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारी एनिमेशन सीरीज चल रही है कि आखिर हम एनिमेशन करें कैसे। तो उसमें मैं आपको सिंपल पार्ट पार्ट बता रहा हूँ कि आखिर सिंपल आप जो स्टेप्स हैं वो सीख जाएं, उसके बाद हम एक प्रॉपर एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारे एनिमेशन ट्यूटोरियल्स बनाए थे, और उन एनिमेशन ट्यूटोरियल्स को बनाने के बाद ऐसा हुआ कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि यार ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, जबकि पुरानी वीडियो में बता चुका होता था। अभी क्या होगा कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार ये एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, या फिर आप लिंक को अगर पूरा वीडियो देख लोगे, मेरे सारी सीरीज देख लोगे, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो फिर उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना पड़ेगा कि आखिर ये करते कैसे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉक साइकिल, आखिर हम किसी चीज़ को एनिमेट कैसे करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, आपने देखा होगा कि कई बार हम वीडियोज में कुछ चल रहा है, कुछ कूद रहा है, कुछ जंप कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें एक रेफरेंस इमेज चाहिए होती है, क्योंकि हम रेफरेंस इमेज के बिना काम नहीं कर सकते। और अगर आप रेफरेंस इमेज का यूज़ कई बार कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आखिर ये कैसे कैसे करते हैं, या आप इसकी स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, स्क्रिप्ट बनाने के बाद आप इसमें चीज़ें डाल सकते हो। तो कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स मैं स्क्रिप्टिंग पे ही बनाऊंगा, स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं पाइथन की, तो वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी हम आज सीखेंगे कि वॉक साइकिल एक ह्यूमन को चलाते कैसे हैं। तो नॉर्मली मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था एनिमेशन टाइप का, कैसे एनिमेशन करते हैं, यहाँ पे इंटर कैसे करते हैं की फ्रेम, और आपको आइडिया दिया था कि रिगिंग कैसे करते हैं, और रिगिंग पे अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ये मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि रिगिंग काफ़ी ब्रॉड है, वो भी एक अलग से ही कोर्स है। तो अभी आप क्या चाहिए, मैंने एक अभी एक मॉडल बना रखा है सिंपल, अब मैं उसको ही ओपन करके उस पर सिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिए एक मॉडल है जो कि एक मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो क्या इसकी ये सारे रिग्स हैं जो रिगिंग की थी मैंने, आर्मेचर इसमें ऐड किया है, ये इसकी आईके बोन है। आईके बोन क्या होती है, जो एक तरीके से कांस्टेंट पैदा करती है कि इसके साथ कौन कौन सी मूव करेगी। वेट पेंटिंग कर रखी है मैंने कि कौन सी चीज कहाँ से मूव करेगी। दो आईके बोन लगा रखी है घुटने के लिए और एक पैर के लिए, दोनों पेरेंट है, ये इसके पेरेंटेड है, तो अगर इसको मूव करूंगा तो ये मूव करेगा ही करेगा, और अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इसके पैरेंट नहीं है तो केवल घुटने को मूव करेगा, ठीक है। तो अभी आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि मैंने रिगिंग सिखाई थी, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप समझ चुके होगे कि रिगिंग में ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं और क्या होती हैं। तो अब हमें वॉक साइकिल एनिमेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक हमको रेफरेंस इमेज चाहिए होगी जो कि वॉक साइकिल में दिखे हमें, ठीक है। तीन प्रेस किया मैंने नंबर पैड से, जो कि इसका वो कर दिया, शिफ्ट ए प्रेस करता हूं मैं इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट मोड में नहीं होंगे तो फिर ये बहुत सारे ऑप्शंस काम नहीं करते। शिफ्ट ए इमेज, रेफरेंस इमेज, ये डेस्कटॉप पे रखा है मैंने वॉक साइकिल का, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी रेफरेंस इमेज, आपको बहुत सारे रेफरेंस इमेज मिल जाएंगे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर पाओगे। अभी ये इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन है वो इस साइड में है और ये डिफरेंट साइज में है, तो मैं क्या करूँगा इसको सेम साइज में डायरेक्शन में लेके आऊँगा, या फिर अल्ट थ्री या व्यू पे जाते हैं हम, कंट्रोल थ्री प्रेस करने से इधर जा सकता है, कोई बात नहीं, मैं तीन प्रेस करके वापस आता हूँ और इसको ये रोटेट कर लेता हूँ, जो हमारा इमेज है आर जेड 180, मतलब मैंने रोटेट किया जेड डायरेक्शन में 180, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल रोटेट हो चुका है। शॉर्टकट मैंने बता रखे हैं आपको पहले, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन इतना बड़ा नहीं है ये, इसके बराबर नहीं है, तो हम इसको ऊपर लेकर के आएंगे, जी प्रेस करता हूँ ग्रैब, या आप मूव यहां से भी कर सकते हो आप इसके अकॉर्डिंग, ये इसका हम नीचे पैर ले आएंगे, और इसका अभी हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग साइज के हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, एस प्रेस करता हूं मैं, जेड
थोड़ा छोटा कर लेते हैं थोड़ा एस जी जेड। अब ये लगभग इसके बराबर है, तो ऐसा नहीं है कि जो सीन इसमें दिख रहा है बिल्कुल हम इसके बराबर करना है, क्योंकि देख सकते हैं उसके पैर इतने बड़े हैं, हमारे जो मॉडल है इसके पैर थोड़े छोटे हैं। तो हमें रेफरेंस इमेज का यूज करना है, ना कि हमें एज ए सेम टू सेम बनाना है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, मैं यहाँ जाकर के इसको जूम और जीम आउट कर रहा हूँ। मैं हर बार इसके बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने कि कभी ब्लेंडर यूज नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए भी ट्यूटोरियल्स है, जो यूज कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ट्यूटोरियल्स हैं स्टार्टिंग के। इससे जूम इन जूम आउट ऐसे हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, इसको वॉक साइकिल एनिमेट करनी है। सिंपल, मैं इसको इसी जगह पर एनिमेट करूंगा, लेकिन इसके पहले यहाँ आते हैं। तो जो हमारा ये इस पर हमने क्लिक कर रखा है, मूव टूल पे क्लिक कर रखा है, अब मूव करते हैं वाई डायरेक्शन में, मूव कर लेते हैं हम और यहाँ जाते हैं। ठीक है, अभी भी थोड़ा छोटा लग रहा है, एस प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एस प्रेस करके बड़ा कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा और एक्यूरेट आ जाए। तो एक्यूरेट आने से हमको काम मिल जाए, मतलब और अच्छा हमारा एनिमेशन होगा। ठीक है, अब ये लगभग सेंटर में है और लगभग बराबर है, तो थोड़ा बहुत हो डिफरेंस तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हम जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट पर, सेट किया हमने ऑब्जेक्ट को, यहां से ऑब्जेक्ट से पोज मोड में गए, ए प्रेस करके सारे स्केलेटन को सिलेक्ट कर लिया, आई प्रेस किया मैंने रोटेशन रोटेशन स्केल, मीन्स मुझे पहले जो है ये स्टॉप पोजिशन पर होना चाहिए, स्टॉप के बाद ही चलेगा ना ये, फिर तो ऊपर से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देख सकते हो की फ्रेम यहाँ पे एक नंबर पोजिशन पे आ चुकी है। अब यहां से मैं 15 मुझे एक और की फ्रेम ऐड करनी है। अब ये जो पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग में ऐड करूंगा, ये इसका पहला लेग लिया, जी से ग्रैब करते हैं, ग्रैब किया मैंने और सेम इसके डायरेक्शन में आकर के आर से रोटेट करके ऐसे कर दिया, और ये दूसरा पैर था पीछे वाला, जी से रोटेट किया मैंने आर, ये पैर दोनों यहां आ चुके हैं, यहां आ चुका है, ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, फिर ए प्रेस करते हैं जी, आर मैं उसकी पोजीशन को इस मैनेज कर रहा हूं, किसी पोजीशन में से मैनेज हो जाए। तो अभी क्या है, थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, अपना जो स्केल है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने ताकि इस पोजीशन पे इसके बराबर आ सके। ठीक है, आपको बताया था मैंने एक्सप्रेस करने से छोटा होता है, तो हमें ला करके यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। अब इस पोजीशन पे ऐसे है, अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे केवल एक पैर नहीं दिख रहा, तो इसके बीच में है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाना करना चाहता था कि बराबर ही हो, देख सकते हो उसके बीच में ही है, तो उसके कोई हमें प्रॉब्लम करने कोई डरने की जरूरत नहीं है। जेट से आप यहाँ से वापस भी ला सकते थे इसे, पीछे कर देते हैं इसको। ठीक है, अब आपको दोनों पैर दिख रहे हैं, आप दोनों पैर को साथ एनिमेट कर सकते हो। अभी ये पहले पोजीशन पे आ चुका है, ये मैंने 15 पे, यहाँ पे कोई भी की फ्रेम ऐड नहीं किया मैंने, फिर दोबारा मैं पोज मोड में सारा सिलेक्ट करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ लोकेशन रोटेशन स्केल, स्केल की कोई जरूरत नहीं हमको क्योंकि ये रोटेशन ही कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं
और लोकेशन किस लिए, क्योंकि जब भी ऊपर नीचे चलेगा तो ऊपर नीचे जम करते हैं, जब भी आप देखोगे तो। 15 के बाद फिर 30 पे जाता हूँ मैं। अब जो हमारा ये था की फ्रेम, उसको पीछे लेके आते हैं इसके पास। हम इसे मूव नहीं करा रहे क्यों, हम पीछे वाले मूव करा रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमको कहीं और मूव कराना पड़ जाए। फिर से मैं आता हूँ, उसको लेता हूँ। अब जो पहला पैर इसका आगे था, और दूसरा वाला पीछे था, ठीक है, तभी थोड़ा और पीछे हो जाएगा। जी देख रहे हो आप, आर एक्शन में, और फिर यहां से हमने आई के बोन को सिलेक्ट किया, जी आर जी। एक्चुअल मैच नहीं करेंगे, दोनों के पैर अलग हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जी थोड़ा सा ऊपर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा नीचे आता है इस समय। फिर जी प्रेस किया, जेड प्रेस किया, जी से ग्रैब किया मैंने, जेड से फिर इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा ताकि बराबर इसके मैच कर जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां से ये वाला ग्रैब करके जी थोड़ा सा मैच जमीन से टच होना चाहिए, ठीक है। फिर ए प्रेस करते हैं आई इसके। अभी मैं हाथों को एनिमेट नहीं कर रहा क्योंकि हाथों को बाद में कर सकते हैं, तो मैं पैर को एनिमेट कर रहा हूं कि पैरों के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप समझ जाओ कि क्या है ये। तो अब देखो आपने, ये पहला जो पैर था इसने पहले आगे बढ़ाया फिर आगे मोड़ा, अब ये वाला पैर सीधा होगा और ये वाला पैर पीछे वाला तिरछा होगा, क्योंकि पहले पैर का काम हो गया, अब दूसरा पैर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। 30 के बाद हम आएंगे 45 पे, फिर वही सेम, हमने पीछे के बैकग्राउंड को पकड़ा और पीछे यहां तक लाके छोड़ दिया। तो करना क्या है अब, ये वाला पैर जो है सीधा होना चाहिए दूसरा वाला, ठीक है, और ये वाला आगे आना चाहिए। तो थोड़ा ऊपर हो चुका है तो ए प्रेस करेंगे, सॉरी पोज मोड में ए प्रेस करेंगे, सारे स्केलेटन सिलेक्ट हो गए, जी जेड थोड़ा ऊपर जाएगा ये यहां तक, और फिर इस पैर को जो कि हमारा पहले मुड़ा हुआ था सीधा होना चाहिए, तो जी प्रेस करके ग्रैब किया मैंने, सीधा कर दिया, और ये वाला पैर जी प्रेस करके आगे कर दिया मैंने, क्योंकि अब ये वाला पैर आगे जाएगा और ये वाला पैर पीछे रहेगा। ज्यादा समझ रहे होगे, क्योंकि मुझे कई लोग ये गलती करते हैं, एक ही पैर को एनिमेट कर देते हैं और उसके बाद काफी प्रॉब्लम आती, कहते हैं हमारा तो जंप करके चल रहा है, क्योंकि मैंने भी गलती कर रखी है ये बार, और मेरे साथ कुछ बहुत सारे लोगों ने कर रखी है, तो मुझे पता है कि ये गलती होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से पैर चेंज हो रहा है आपका, जैसे आप बीच के पोजिशन पे आते हो पैर चेंज हो जाता है। एनिमेशन के लिए वॉक साइकिल कुछ टाइप की होती है, 3 की भी होती है कि पैर आगे पीछे जा रहे हैं, 5 की होती है जो कि नॉर्मल हम यूज करते हैं एनिमेशन में, क्योंकि बहुत आसान और जल्दी कर सकते हैं, और इसके अलावा 9 स्टेप की होती है जो सबसे बढ़िया होती है अगर मानी जाती है। अगर आप बहुत ही बढ़िया एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तो 9 स्टेप की वॉक साइकिल आप यूज करें। हम 60 पे आते हैं, अभी देख सकते हो आप यहां से यहां तक आ चुका है, चला देख सकते हो कि ये आपका ऐसे रन कर रहा है, ये वाला पैर उठाया इसने, और 60 पे आकर के हम इसके आगे वाला एनिमेट करेंगे, सीधे पीछे वाले बैकग्राउंड पे गए, यहां से वापस आ गए। अब फिर हम यहां पे गए, इसके आर्मेचर को क्लिक किया मैंने, ध्यान रखना है पोज मोड होना चाहिए, फिर ए प्रेस करते हैं, सबको सिलेक्ट हो गया, जी और जेड ग्रैब प्रेस करके थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं इसको। अब जो पीछे वाला पैर है पीछे जाएगा, आगे वाला आगे जाएगा, तो इसका भी आई के सिलेक्ट किया, आई के बोन जी प्रेस किया मैंने, यहां ले गया, फिर आर रोटेट किया मैंने, और जो आगे वाला था वो जी आर, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो मॉडल है इतना लंबा नहीं है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा
अपने अकॉर्डिंग एक बेस जो है हमारा बेस भी मेंटेन करके चलेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम उड़ा दे रहे हैं बीच में जंप कर रहा है ये, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जंप भी करा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये मॉडल हमारा अब ए प्रेस के हमारा सारा सिलेक्टेड है, आई प्रेस करके हमने फिर से यहाँ की थी हम 60 पे डाल दी। 60 के बाद हम फिर क्या करेंगे, 75 पे जाते हैं, फिर से सेम वही प्रोसीजर, उसको वापस मैं यहाँ लेकर के आ गया। आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा, कुछ समझ में आ गया हो तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा ट्यूटोरियल देखने की जरूरत है, आप यहाँ से कुछ कॉपी कर सकते हैं। जी नीचे आते हैं और फिर यहाँ से फिर अपना सेम प्रोसीजर जी, जो पैर आगे था वो आगे हो जाएगा, आर ऐसे, और इन सब में ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आपको जो भी आपका मैसेज जमीन से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जी जेड इसको पर अगर आप एनिमेट करने के चक्कर में ऊपर का मैच कर रहे हैं नीचे का मैच नहीं कर रहे, ऊपर का मैच करने का कोई बात नहीं, लेकिन जो ग्राउंड है वो मैच करना चाहिए, अगर ग्राउंड से मैच नहीं करेगा तो फिर आपका जो एनिमेशन है वो वर्क नहीं करेगा। अब देख सकते हैं कि चल रहा है, स्टॉप पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है और ये चलता जा रहा है 75 तक। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो एंड फ्रेम है वो 76 तक स्टॉप कर देते हैं और अब प्ले करके देखते हैं। ये देखिए आपका एक चलता हुआ एनिमेशन लग रहा है कि चल रहा है बंदा, ये जा रहा है। अब देख सकते हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूं, जो इसका बैकग्राउंड का जो प्लेन था मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये प्लेन है हमारा सिलेक्टेड, डिलीट कर दिया। अब प्ले करके देखते हैं, मैं अगर इसको क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं 250 तक कर लेता हूं, जो कि हमारा, अब मैं इसमें स्केल पे जाता हूँ और नॉर्मली मैंने आपको पहले बता रखा था कि मैं क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो चीजें हैं कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं जितने भी आपके की फ्रेम्स हैं उनको। तो कंट्रोल सी सारे कॉपी है ही, तो मैं जाता हूँ 90 पे, 75 पे 90, और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड, सॉरी मुझे 90 वाला पेस्ट नहीं करना, ये 10 वाला, क्योंकि 10 वाला आपको पता ही है, 10 वाला जो था हमारा स्टॉप पोजीशन था, इसको हमने 10 वाला छोड़ दिया है। कंट्रोल सी 90 पे जाकर के कंट्रोल पेस्ट कर दिया। अब देख सकते हो आप, ये इसके आगे मूव करेगा। तो मेरा बेसिक पर्पस था कि इसको मूव कराना। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक सिंपल सा आपको दिखा दूंगा कि स्टार्टिंग में कैसे मूव करा था ये, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एक एनिमेशन आप साइकिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उसको आगे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए कि एक सिंपल ट्यूटोरियल था एनिमेशन साइकिल यूज करना, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और चीज़ें, और मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि 2-3 दिन की वीडियोस में डिले होगी, लेकिन प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा, आपको सैटरडे को प्रोजेक्ट मिलेगा इस सैटरडे को, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें जो कि मैं सिखा रहा हूँ। और वीडियोज़ तो अभी मुझे लगता है कि मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं, एक दो टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि कवर नहीं किए होंगे तो प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगे, और इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि और बतानी हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे आपको क्या क्या और बताना चाहिए, जिससे कि आप एनिमेशन में काफ़ी कुछ सीख जाएं कि और क्या क्या करना चाहते हो और क्या करोगे आप।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे में ट्यूटोरियल अच्छे लगे तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स में करके बताते रहें कि आपको एनिमेशन में और क्या क्या सीखना है। तो फ्रेंड्स, ये था पॉप साइकिल जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसके बाद हम दूसरी वीडियोस में भी काम करेंगे कैसे सीखना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कैसे और वीडियोज बनाने चाहिए, तो मेरी वीडियोज देख भी रहा है।